कस्तो हुनुहुन्छ? बहुत दुख लगेगा भाई सच में। अबे व्यू नाचेगा व्यू। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन सी है? आंसर था सानी लियोनी। मैं ना बाइक पे वापस नहीं जा रहा हूँ, मैं अपनी बाइक ट्रक से भेज रहा हूँ। मैं तो अभी कार से सो के उठ रहा हूँ, यहाँ देख रहा हूँ करने लगे। बाबू भैया के लिए स्पेशली रेड कार्पेट लगाया। यार अभी हम लोग दिशांग रिसोर्ट में हम लोगों ने कल चेक इन करा था, बहुत थक गया होगा इसलिए मैं ब्लॉग एड नहीं कर पा रहा हूँ आजकल। बट इट वाज सच अ ग्रेट जर्नी। आसामीज लोगों से इतना ज्यादा प्यार मिला, गोरखा यूनियन पता नहीं कौन कौन लोग प्यार कर रहे थे, नव गाँव के लोगों से इतना ज्यादा प्यार मिला। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे लिए यार। एंड मेरा बिल्कुल मन नहीं ऐसे जाने का, मैं सोच रहा हूँ यू नो घर बना लेता हूँ। वैसे दिशांग रिसोर्ट अपना ही है, आओगे 10% ऑफ। एंड गाइस हियर इज आवर सवारी फॉर टुडे। हम लोग बाइक लेकर के नहीं जा रहे बिकॉज कार के अंदर नो वन विल फाइंड अस। मैं आगे बैठ रहा हूँ, आगे 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 आगे, नो 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 आगे आगे आगे। वीआईपी लोग पीछे बैठते हैं। ओके सर, ओके सर। वैसे अभी सुबह तो भैया किसी को नहीं पता है ना मिंटू भैया कि हम लोग यहाँ पर है, नहीं किसी को अभी तक पता नहीं। स्टोरी डाल दिया क्या भाई? नहीं, अगर पता चल जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा भाई। तो यार फिलहाल तो आई हैवंट पोस्टेड अ स्टोरी दैट आई एम एट दिशांग रिसोर्ट। दिन में आकर के पोस्ट करेंगे बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे मैं नहीं मिल पाया हूँ, तो आई विल पुटिंग अ फाइनल स्टोरी। एंड ये सब आपको इंस्टाग्राम पे पहले देखने के लिए मिल जाता है। अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम होगा, फॉलो कर लेना। गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर में, तो ये गामूसा लेकर के जाएंगे। एंड ये सब लोग सुबह से खड़े, आप लोग कितने बजे से खड़े हैं? हम सो सॉरी यार, हमारी ना तबीयत थोड़ी सी खराब चली थी तो यार इसलिए हम लोग लेट उठे थे। फिलहाल थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। वेलकम टू कामख्या मंदिर। गाइस ये इतने सारे गामूसा हो रखे ना, मेरे पास इतना बड़ा बैग लेकर के जा रहा हूँ। आसाम से तो बहुत प्यार मिला यार, फिर से आना, फिर से आएगा पक्का भाई पक्का। तो बॉयज फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं कामाख्या टेम्पल में। एंड यू नो ये बहुत मानव टेम्पल है। आपको पता है जब भी बाबू मंदिर में जाते हैं उनकी ज़िंदगी हमेशा चेंज हो जाती है। एंड हम लोग जब आसाम आए थे तो ये वाला टेम्पल आना तो बनता था। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यहाँ पर जाने के लिए एंड बहुत सुकून मिलता है। सो गाइस वी हैव गॉट सम प्रसाद। मैंने घर के लिए भी बहुत सारा प्रसाद दिया है। एक्चुअली मम्मी ने मेरे को बोला था कि मंदिर जाएगा तो प्रसाद ज़रूर लेके आना, तो मम्मी खुश हो जाएगी। अब फिलहाल अंदर जाते हैं। तो यार अभी हम लोग कामाख्या टेम्पल से बाहर है एंड जितनी भी थकावट थी ना एकदम सब कुछ पॉजिटिवनेस में बदल गया, बॉडी का सारा पेन चला गया। एक्चुअली मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ मेरा ना बहुत एनर्जी लेवल लो हो रहा था सुबह वाले ब्लॉग में, बट अभी बाबू भैया इस फुल पावर। मंदिर में आकर के एक्चुअली में बहुत अच्छा लगता है। मिंटू भैया अलग ही फीलिंग है ना, बहुत अलग फील है, बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। हाँ मेरी एनर्जी लेवल बहुत लो हो रखा था बट अभी बाबू भैया फुल पावर। सो गाइस वो देख रहे हो भयंकर कितनी लंबी लाइन है, बहुत लंबा लाइन है एंड हम लोगों को वीआईपी एंट्री मिल गया था। थैंक यू सो मच विकास, बिग फैन सर। सो गाइस लेट मी जस्ट टेल यू अबाउट द कामाख्या टेम्पल। This temple is dedicated to the bleeding goddess of Assam and goddess Kamakya. And actually मैं यार मैं आपको बताता हूँ जब भी मैं ऐसे मंदिर आता ना the experience has always been amazing. बहुत सुकून मिल रहा है यहाँ पर आकर के। तो यार हम लोगों ने कामाख्या माँ की पूजा तो कर ली, अब हम लोग नारियल फोड़ने जा रहे हैं। I'm really excited. इसे वन शॉट फोड़ना पड़ता है, वन शॉट। तो बाबू भैया फुल पावर कोशिश करेंगे वन शॉट फोड़ने की। बाबू भैया का देखते हैं अभी कितना पावर है, एक बार में तोड़ सकते हैं कि नहीं। कमान कमान जय माँ कामाख्या। क्या टेक्निक है भाई हमको भी बताओ। तबाही मतलब फुल पावर तबाही कर दिया। ये कुछ ज्यादा हो गया, पावर एक्सट्रीम हो गया। फटा था तो दो टुकड़ा हो गया। सो गाइस हियर वाज दी पंडित जी जिन्होंने हमारी पूजा करी। थैंक यू सो मच पंडित जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। गाइस मैं आपको मिलाता हूँ अपने एक ब्रो सेना के मेंबर से। अभी हम लोग दिशांग रिसोर्ट पहुँचे हैं एंड इस पूरी ट्रिप पे ना ब्रो सेना ने बहुत ध्यान रखा है। ये भाई के पास ना इतने सारे गामूसा थे। मुझे याद है मैं रास्ते में भाई से मिला था तो मैंने कहा था भाई ये सामान पहुँचा देना। भाई का बेचारे का फ्यूल भी खत्म हो गया था, बट थैंक यू सो मच भाई, आप लोगों के कारण हम लोग। और मेरा विश भी पूरा कंप्लीट हो गया कि बाबू भैया को कामाख्या विजिट करना था, वो फाइनली कर लिया बाबू भैया ने। फुल पावर, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। एंड गाइस जिस रिजॉर्ट में हम लोग हैं वो देखो भयंकर बता। ये दिखा दो खूब को, दिखा दो वो बना के दे देगा। इतना बड़ा है पता है बाबू भाई, इतना सच में इतना है। इसका एक देखने को मिलेगा, छुपा के रखा है, दिखाएगा कोई नहीं। तुमको तो पता ही होगा गए होगा उज्जवल भैया, वो छुपा के रखता है। तो यार मैं तो गाड़ी में सो गया था बिकॉज आई वाज सुपर टायर्ड। अब जा करके थोड़ा बहुत लाइक यू नो बैक इनटू कॉन्शियस, बट आज अच्छा लग रहा है यू नो आसपास कोई नहीं फटक रहे। फिलहाल आज मैं आखिरी स्टोरी दूंगा इंस्टाग्राम पर कि हम लीविंग, तो आ जाओ बिकॉज बहुत से लोगों के पास अपना सामान है। मैं आपको बता रहा था ना सुबह मेरा सामान छूट रखा था गाँव उसका। सो हे गाइस व्हाट्सअप, हम लोग वापस आए हैं दिशांग रिजॉर्ट पे और जो भी आएगा 10% वाली स्कीम तो अभी भी चली रही है हमारी। तो शी इज़ दी ओनर ऑफ होल दिशांग रिजॉर्ट और यू नो इन्होंने मेरे को अडॉप्ट कर लिया, तो मैं अब यहाँ करके कभी भी रह सकता हूँ। जस्ट किडिंग गाइस, बहुत अच्छा लगा मैम आपके रिजॉर्ट में आकर के, एंड आप भी आएंगे तो यू नो बहुत तुम लोग फिर आओगे यहाँ पे, तुम लोग बेटर जैसा ही है मेरा और जब चाहो आ सकते हो। पक्का मैम, थैंक यू सो मच। तो गाइज मैं आप लोगों को बता रहा था हम सर के रिजॉर्ट में रुके एंड मैं मैम को ये बोला, मैम ने ना दिशांग रिजॉर्ट जय हो जय हो। सर बहुत आप बहुत हैंडसम लग रहे हो सर आज। अरे हैंडसम नहीं है भाई, हैंडसम तो तूने है, सारा दुनिया तुम्हारा पीछे पड़ रहा है भाई। हम लोग तुमको देखने के लिए घूम रहे हैं। नहीं, सारा दुनिया हमारे पीछे पड़ रहा है और हम आपके पीछे पड़ रहे हैं आपके रिजॉर्ट में। ये कैसे हो? तो यार बहुत कूल ओनर्स हैं दिशांग रिजॉर्ट के, है ना, बहुत अच्छा फैमिली वाला फील है यहाँ पर। फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पर ब्रेकफास्ट करें क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रहा है। कुछ खाते हैं, कल रात में बहुत थक गया था मैं, खाना आ गया था बट मैं बिना खाए सो गया बिकॉज बहुत ट्रैवल था, एंड अब जा करके मस्त खाना खाएंगे हम लोग। सो गाइज फाइनली यू नो हमारा आसामी जलपान आ चुका है, लेकिन उससे पहले हम लोग आसामी बहुते कमेंट करी आछिल बाबू भैया आमार असमिया ट्रेडिशनल ड्रेस लगाबोलै आज फाइनली So guys, the moment you have been waiting for, finally Babu Bhaiya. Babu Bhaiya. अभी बिहू नाचेगा, बिहू बिहू बिहू, आसामी कल्चर रंगाली बिहू। बाबू भैया। तो यार अभी हम लोग दिशांग रिजॉर्ट के ओनर में हेयर सर और वहाँ पर है मैम, आ जाइए। यू नो बहुत फैमिली वाली फीलिंग आई है इन लोगों के साथ, एंड सर ने बहुत अच्छे से ट्रीट करा। सर मैं जब भी आऊंगा, ये घर तो मेरा फिक्स है यहाँ पर। ओके ओके फाइन फाइन डन। सो गाइस एक्चुअली अभी हम लोग नाश्ता कर रहे हैं एंड लेट मी जस्ट टेल यू, एकोना बहुत लंबे रन से आई है एंड एक्चुअली इसका जो एग्जॉस्ट वाला क्लैम्प था ना वो वाइब्रेट होकर लूज हो गया था, तो हम लोगों ने एक जुगाड़ बढ़ाया था इसे टाइट करने का। तो अब वी हैव गॉट सम टूल्स एंड अब हम इसे टाइट कर रहे हैं बिकॉज हम इसे शायद ट्रक में भेजेंगे, तो आई रियली डोंट वांट कि इसका कुछ पार्ट इधर उधर गिर जाए, तो पूरा काम करवा करके इसे ट्रक में लोड करेंगे। सो गाइज अभी हम लोग आए हैं एक जगह, एक्चुअली भैया ना मेरे को पैरेट दिखा रहे हैं और भैया मेरे को एक पैरेट की कीमत कितना बता रहे हैं भैया? 8 लाख रुपए तक है मैक्सिमम, एक पैरेट 8 लाख रुपए का। एक दो छुपा करके देहरादून जा करके बेचूंगा, 10 आ जाएगी एक नहीं एक और। सो गाइज चेक दिस आउट, चेक दिस आउट मैन, ये तो मैंने डिस्कवरी वाले पैरेट है भैया, ये वाला एक पैरेट ना गाइज 3 लाख रुपए का है। ये चेक करो गाइज, हेलो हेलो। सो गाइस मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो मोलोकन का काटू है ना, 7 लाख रुपए यार। पैकिंग कर दो सर को, दो भी छुपा के लेके गया ना मैं यहाँ से। एक नई सुपर बाइक पैकिंग कर दो भैया, वो मैं तो खरीदूंगा नहीं इतना, इतना रात को आएंगे हम दोनों। हाँ, एक एक उठा लेगा, एक एक उठा करके सोने का अंडा देके पैकिंग कर लीजिए, अंडा मिलेगा क्या इसका अंडा। तो गाइस ये देख रहे हो उसका खाना भयंकर, ये बादाम चने इंसानों को नसीब नहीं हो रहे, हम हमें नसीब नहीं हो रहे, हम भी यहाँ पिंजरे में चले जाते हैं, खाने को तो मिलेगा मन कर रहा है। तो यार आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को पता है बाबू भैया भी अपनी आसाम ट्राइट पर है एंड वो अपने ट्रैवल एक्सपेंस, फ्यूल एक्सपेंस, रहने के खर्चे कैसे मेंटेन करते हैं। सो गाइस लेट मी जस्ट टेल यू अबाउट एन ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप बाइनेमो। बाइनेमो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप ऑनलाइन ट्रेड करके यू कैन अर्न मनी, एंड मैं आपको सिखा भी देता हूँ आप इस प्लेटफॉर्म को कैसे यूज कर सकते हैं। सो गाइस हियर इज माय बाइनेमो प्रोफाइल और यहाँ पर आप एक ग्राफ देख सकते हैं जो कि ऊपर नीचे जा रहे हैं और मेरे ऊपर 2 अकाउंट है, पहला रियल अकाउंट और दूसरा डेमो अकाउंट। बेसिकली मैं अपने डेमो अकाउंट से प्रैक्टिस कर सकता हूँ। आप लोग बेसिकली एक ग्राफ देख रहे होंगे जो ऊपर नीचे जा रहा है, तो मैं अपने रियल अकाउंट से गाइस 7,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ और मुझे बेसिकली इन्वेस्टमेंट इस हिसाब से लगानी है कि ग्राफ ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। मेरी प्रिजम्पशन ये है गाइस कि ग्राफ नीचे जा रहा है तो मैंने नीचे की इन्वेस्टमेंट करी है, तो मैंने 7,000 रुपए इन्वेस्ट करे हैं गाइस और मुझे बस वेट करना है कि ग्राफ ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। गाइस मेरी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सही गई है, जो ग्राफ था वो नीचे गया है। तो आप लोग देख सकते हैं गाइस मैंने 7,000 रुपए लगाए थे और मेरी इनकम हुई है 12,000 रुपए की। प्लस आपको इस प्लेटफॉर्म पे 24/7 कस्टमर सपोर्ट मिल जाता है। यार बिल्कुल भी देरी मत करना, फटाफट फटाफट डिस्क्रिप्शन में चल जाओ, मैंने बाइनेमो को डाउनलोड लिंक दिया होगा, अगर आप वहां से जाकर के डाउनलोड करते हो तो आपको अपने फर्स्ट डिपॉजिट मिलते हैं $1000, वो भी अपने डेमो अकाउंट में, जिससे आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड फिर आप पीरो बन जाएंगे और ऑनलाइन ट्रेड एकदम मस्त करेंगे। तो यार अभी हम लोग आए नीचे से ऊपर एंड लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस यू टू समवन जिसने नॉर्थ ईस्ट का नाम बहुत प्राउड करा है। Here we have Bhukanda with us and you know he was the first person from North East जिन्होंने सिल्वर प्ले बटन अचीव करा था। So बाबू भैया ने आकर, अनुराग ने आकर हमारा असम का जो कल्चर है वो सब यूट्यूब में अच्छी तरह से वीडियो बनाकर सबको एक्सप्लोर किया है, सबको प्रेजेंट किया है। सो इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ आपके, बहुत थैंक यू, दिल से थैंक यू। आप लोगों का थैंक यू कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया। फिलहाल अभी भाई के चैनल पे हम लोग एक इंटरव्यू दे रहे हैं, धमाका इंटरव्यू एक आएगा। So guys, एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था, रुको, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन सी है, और बाबू भैया का आंसर था सानी लियोनी। और उसके बाद में मैं बाबू भैया को बोला सानी लियोनी का कौन सा मूवी तुम्हारा फेवरेट है, तो बाबू भैया नाम जो नाम नहीं देखते बोले लीला लीला, एक पहली लीला इनका बहुत फेवरेट फिल्म है। पहला तो तुमने बोल लिया कि ये फेवरेट एक्ट्रेस है, ठीक है। हाँ, उसका बाद मैंने पूछा तुम्हें कौन सी फिल्म देख के वो फेवरेट एक्ट्रेस हो गया, बोल गया। देखो भाई, मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ कि एक्ट्रेस ठीक है फेवरेट है, लेकिन मूवी का नाम भी याद रखो। मूवी तुम देखते हो मुझे पता है, उसका नाम भी याद रखो इंटरव्यूज में बोलने के लिए। भाई बहुत लोगों की फेवरेट होगी, भाई मेरी तो है भाई, बाकी इन लोगों को कुछ पता नहीं। पादुकोण के बाद सानी लियोनी मेरा फेवरेट, हमारे लिए तो फर्स्ट। गाइज मैं आपको बताता हूँ, ये गीतू मेरी दूसरी बहनी, और मैं आपको बताता हूँ वो लोग बहुत अच्छे होते हैं जो कुछ खाने के लेके आते हैं। क्या लेके आई गीतू? मैं आपके लिए लाई हूँ मम्मी के हाथों का खाजर पिठा और एक है नारिकोल और लाडू। तो यार बहुत अच्छा क्रेजी परिवार मिला है मुझे यहाँ पर। मैं जब फर्स्ट टाइम इन लोगों से मिला था ना, मैंने सोचा था ये कैसे बोरिंग लोग होंगे, बट ये अपनी तरह बहुत क्रेजी लोग हैं, बट ये बहुत ज्यादा क्रेजी लोग हैं। ये मैं खरीद कर लेकर आई हूँ, ये मेरे घर पे नहीं बनाया, फिर भी ये बोमोर का लड्डू है। फिर तो पैक करो गाइज। बहुत सारा सामान मैं घर देहरादून बेचने के लिए लेके जा रहा हूँ, गरीब लोग तो वहाँ बेच करके एक दुकान लगा। उस चीज का वो होता है एक्सपायरी डेट भी होता है, मतलब वो 2 दिन का है। वो इंग्लिश का वर्ड भूल गया था मैं, क्या होता है वैलिडिटी डेट। मैं क्यों जी रहा हूँ, वो मेरे लिए लेके आई है गीतू ने, साफ मना कर दिया, टच मत करो। मैं क्यों मैं जिंदा क्यों हूँ। तो यार हमारे लिए आए गोमर के लड्डू, गोमोर बहुत अच्छा रहता है, लोग खाने के लिए कहते हैं। आई लव दोज पीपल जो कुछ खाने के लिए कहते हैं। आप मिलने आएंगे ना तो खाने के लिए लेके आना, रेडबुल के साथ आप कुछ खाने के लिए भी लेके आना गाइस। रेडबुल पी पी का ना भयंकर किडनी खराब हो रही है बाबू भैया की। अब एक हफ्ते में 7-8 रेडबुल पी रहा, सो नहीं रहे, किडनी खराब होता है रेडबुल खाने से। तो गाइस अभी हम लोग खाने वाले हैं गुजिया। ये गुजिया नहीं है, गुजिया है ये, गुजिया। ये कौन सा गुजिया है भाई? गाइस ये गुजिया है, बोलो खा नहीं, इसके अंदर कुछ और है, आप बोलो तो खाजो मिठा। भाई ये गुजिया ही है, नहीं है खाजर पीठा खा रहा हूँ मैं, गुजिया खा रहा हूँ, गुजिया। तो बॉयज हम लोगों ने यहाँ पर रील मस्त शूट करी इंस्टाग्राम के लिए, और एक्चुअली इंस्टाग्राम आजकल बहुत खतरनाक चल रहा है। इट वॉज रियली एन अमेजिंग सेशन, हम लोगों ने इनके साथ एक मस्ती रील बनाई है। अरे हमारे इंस्टाग्राम में मृगक्षी लहकर, सेल्फ प्रमोशन गाइस, सेल्फ प्रमोशन। एंड मैं आपको चीज़ बताता हूँ, मेरा जो जाने वाला प्लान है ना घर का, वो बहुत क्रेजी है। मैं कल आसाम से निकल रहा हूँ, एंड एक्चुअली मैं ना बाइक पे वापस नहीं जा रहा हूँ, मैं अपनी बाइक ट्रक से भेज रहा हूँ और मैं खुद फ्लाइट से वापस जाऊंगा। अभी मेरी ट्रक वाले से तो बात तो हुई है। ओके खोलो। तो यार अभी हम लोग हैं उज्जवल दा की कार में, एंड उज्जवल भैया कहाँ जा रहे हैं? हम लोग अभी जा रहे हैं खाना खाने। तो अभी हम लोग जा रहे हैं विकास के घर कुछ खाना खाने के लिए, एंड मैं विकास की मम्मी पापा से मिलने वाला हूँ आज। इट्स गोना बी बेइज्जती हो गई है का मैं सुन रहा हूँ मिंटू भैया, ये इमरान हाशमी के 90s वाले खाने की सुन रहे हैं। ये मेरा गलती नहीं है, ये नया चला है हमारा। सो यार हमें बाइक का काम भी करवाना है। मैं आपको बाइक के बारे में बताता था, हम लोग बाइक ट्रक से भेजने वाले हैं एंड मैं फ्लाइट से जाऊंगा। बाइक का ट्रक का अरेंजमेंट हम लोग देख रहे हैं, कितना चार्ज करेगा एंड कैसे कैसे करके भेजेगा। तो मेन थिंग इसकी बाइक सेफली घर पहुंच जाए, वो टेंशन है। बाकी मिलते हैं विकास के घर में। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुँचे विकास के घर, एंड हम लोग घर पहुँचे विकास के यहाँ। डीजे डूजे लगाए, अभी तक का सबसे क्रेजी एक्सपीरियंस। यार हम विकास के घर पहुंचे एंड विकास के घर में डीजे लग के एंट्री है, सबसे कूल एंट्री था अभी तक का मेरा। मैं तो सो गया था यार कार के अंदर, बिकॉज बहुत थक रखा हूँ मैं। तो जहाँ पर मेरे को थोड़ा रेस्ट का जगह मिल रहा है मैं वहीं पर सो जा रहा हूँ फिलहाल। अभी चाहते हैं मैं तो अभी कार से सो के उठ रहा हूँ, यहाँ देख रहा हूँ करने लगे। बाबू भैया के लिए स्पेशली रेड कार्पेट लगाया। So finally guys, Pinky is here. इतने दिन तक ये मेरे साथ लाइक कनेक्टेड थी इंस्टाग्राम में। मेरे को बोली थी ठंडा पानी मत पीना, रेड बुल मत पीना। दैट्स माय बहन, दैट्स माय बहन। सामने आने के बाद सादा फेवरेट हो चुका है। गुरुंदा, व्हाट्स अप गुरुंदा? अरे ब्रो, वेलकम वेलकम। एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि गुरुंदा यहाँ पर होंगे, बट ही इज फाइनल ईयर। तो अब बहुत मिस किया भैया, बहुत मिस किया। आउट तो सेकंड थर्ड टाइम आना होगा आपको, पक्का पक्का। बोडोलैंड नहीं दिखाया आपको, अगली बार हम लोग वही बात करेंगे। एंड हियर इज आवर सुंदर भाभी। हेलो भाभी, आप आज भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। बड़े बड़े लोगों के इंस्टाग्राम पे जब 300 के होते हैं तो तुम्हारा भी है भाई, उनके लिए केक आता है। एंड गाइस हियर इज विकास की मम्मी आंटी। नमस्ते, कैसे आंटी आप? उधर चाचा है, चाचा है, सब फैमिली लोग हैं, सब फैमिली है। ये भाई तो तुमको दिखा है उस दिन बीटअप में। तो यार हम विकास के घर में एंड सब लोग यहाँ पर है। मैंने सोचा नहीं था कि विकास के घर इतना अच्छा वार्म वेलकम होगा। मैं कार में ना, देखो पीछे, देखो भाई पीछे तो देखो। कस्तो हुनुहुन्छ? राम्रो छु, राम्रो। मैंने थोड़ी थोड़ी नेपाली तो सीख रखी है आंटी आंटी से। मैं और ढोकदिन्छु बोलना चाहता, फिर मैं कहूँ ढोकदिन्छु। सो गाइस अभी हम लोग खाना खाने बैठे हैं एंड द बेस्ट थिंग यहाँ पर हम लोग खाना खा रहे हैं एंड बाहर ना जो गांव की औरतें वो डांस कर रहे हैं। यार दिस इज अ रियली गुड एक्सपीरियंस, बहुत कम देखने को मिलता है ऐसा। तो गाइस पिंकी ने अंडा बनाया, अंडा बनाया। आप खा के देखे कैसा बना, टेस्ट करते हैं अंडे को एंड लेट्स सी कैसा बना है। भाई तुम खाओ पहले, ये तो बहुत टेस्टी है, खा दिया तुम्हें तो टेस्टी लगेगा ही। बनाया किसने, बनाया किसने? वो तो ऑब्वियसली टेस्टी लगेगा ना। आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि आसाम में फिश बहुत कॉमन है, तो मैंने इतनी सारी फिश खाई है एंड एक्चुअली मेरा डाइट बहुत हार्डकोर हो गया। मिंटू भैया कैसा लग रहा है खाना? बहुत बढ़िया है। मैं तो अभी बातें करने का टाइम नहीं, भूख लगी है भाई, पूरा दबा के ध्यान दिया जाए बैकग्राउंड सॉन्ग। तो यार हम लोगों ने फाइनली खाना खा लिया एंड आंटी आपने बहुत अच्छा खाना बनाया, मस्त एकदम। मतलब मुझे ना मम्मी वाला टेस्ट है, बहुत अच्छा खाना था। हम भी तो मम्मी है ना अब, सही में एक्चुअली में मतलब अब मम्मी वाली फीलिंग आ रहा है। मैं विकास को ही बोला था, मैंने कहा विकास विकास तो नहीं पालेगा आंटी, आप पाल लोगे ना मेरे को? पाल लोगे? खाना तो खाते नहीं, दाल चावल इतना सा जायदाद में आधा हिस्सा हो गया। ये भी खाना नहीं खाता थोड़ा थोड़ा। विकास और मेरा सबसे बड़ा कॉमन बॉन्ड ये है कि हम लोग बहुत कम खाना खाते हैं एक्चुअली। आंटी ने तो खाना बनाया था, साथ ही साथ मैं आपको एक बहनी से मिलाता हूँ अपनी, ये मेरी बहन है एंड उसने बहुत अच्छा अंडा बनाया था, एग करी, वो भी बहुत अच्छा था। बट यू नो लाइक शी हैज बीन सपोर्टिंग मी सोशली सिंस अ लॉन्ग टाइम। तो आज इतने दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं। फिलहाल अभी ये पैकिंग करेगी विकास, पैकिंग और बाय बाय टाटा। बहुत दुख लगेगा भाई सच में, बहुत दिल से बुरा लगेगा। बहुत मिस करूंगा यार मैं सब कुछ, बिकॉज इतने सारे लोगों से इतने टाइम तक इतने सारे लोगों के बीच रहना, बिकॉज बहुत 15 लगाए नहीं हम लोग, 15 दिन रुके, मतलब इतना दिन हम लोग एक साथ में रहे। चलो कल आए तो गाइस 15 दिन हो चुके, फटाक से निकल गया, कुछ पता नहीं। मैं विकास को यही बोला था कि अच्छा टाइम ऐसे खटाक से निकल जाता है। 15 दिन हो चुके गाइस, 15 दिन मतलब इतना इजी 15 दिन भी नहीं था। हर हम लोग को कितना स्ट्रेस था। तो यार आज मेरा आखिरी दिन है आसाम में, बिकॉज कल मैं अपने घर जाने वाला हूँ और मेरे लिए ये बहुत इमोशनल मोमेंट है, बिकॉज इस परिवार के साथ ना मतलब आसाम में आकर के मुझे इतना प्यार मिला है, इतने सारे लोग मिले हैं, बट जिस परिवार के साथ मैं अभी हूँ वो जिंदगी भर हमेशा आसाम में रहेगा। मैं आपको ये चेक कराने वाला हूँ। अभी नहीं जा रहा भाई मैं, ये मेरे को भगाने में तुला है एक्चुअली। विकास का सिक्योरिटी में जितना खर्चा आ रहा है ना, उसको खुद का महीने का खर्चा नहीं है। मेरे लोगों को खिला खिला के मैं खुद खत्म हूँ भाई, सिक्योरिटी देख रहे हो। हमारी इस ट्रिप से ज्यादा खर्चा ना हमारी सिक्योरिटी पे हुआ है। तो अगले टाइम हम लोग, मैं खुद बाउंसर्स लेकर भाऊ। भैया स्पेशली आपके लिए डिनर दिशांग में आ रहा हूँ मैं। गुरुंदा के 100 के हो गए और गुरुंदा 100 के की पार्टी दे रहे, 200 के करवा तो फिर पार्टी लेने आऊंगा मैं आपसे। जरूर जरूर जरूर, व्हाई नॉट। इसके तो 1 मिलियन में हमने आना ही है पार्टी लेने के लिए। बट गिफ्ट मैं बोले ना 1 मिलियन स्पेशल बहुत खतरनाक होगा, सही है। बट गुरुंदा की 100 की पार्टी आज रिजॉर्ट। तो यार हम लोग फाइनली जा रहे। मैं बहुत कम टाइम मिल पाया आंटी से, अगली बार जब मैं आऊंगा तो मैं आराम से यहीं रुकूंगा और आंटी के साथ ही रुकूंगा। आंटी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। ढोकदिन्छु आंटी, ढोकदिन्छु। बाय बाय आंटी, आई लव यू, जल्दी मिलेंगे। बाय बाय गाइस, बाय 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 बाय। बहुत बुरा सा लग रहा है। आई कांट एक्सप्रेस व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ, बट बहुत बुरा फील हो रहा है। नहीं नहीं चाहिए, नहीं चाहिए भाई, मजाक कर रहे थे आप। रखो, नहीं नहीं रख लो, ले लिया। अरे नहीं नहीं रखो, हम दिया आपको। नहीं नहीं रखो रखो भाई, कोई कोई रख दिया। तो गाइस, यूट्यूबर होने के फायदे एंड बाबू भैया होने के फायदे। एक पाइनएप्पल फ्री में मिल गया हम लोग। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू, वेलकम। और बाबू भैया के दोस्त होने के फायदे। कितने संतरे मिले? ये दो इन लोगों ने दिया। हाय, मेरा भी चैनल है। थैंक यू भैया, थैंक यू। छोटा चैनल इसलिए आधा ये दिया, तुम्हारा बड़ा चैनल इसलिए बड़ा दिया।